हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था और उसके बाद हमने इनर्शिया का मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तब मैंने आपको ऐसा समझाया कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है। मैंने आपको ये बोला था कि इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपनी मोशन को सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा? सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू, अपनी वेलोसिटी इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर आपको एक फोर्स ना लगा तब तक वो चेंज नहीं करता। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा था। तो ऑब्जेक्ट के पास खुद के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन करता है तो वो मोशन वो सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा। तो ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो सेम वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? हम इनर्शिया बोलते हैं। अभी आप कुछ मत लिखना, मैं आपको लिखवाऊंगी क्या आपको लिखना है। अब सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो समझो आप। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने क्या देखा था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और जब अगर वो मोशन कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी बिना चेंज किए मोशन कंटिन्यू करेगा। तो इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे से कंबाइन है ना, दोनों एक दूसरे जैसे ही है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये वन मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हिच लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनर्शिया की डेफिनेशन। तो टॉपिक का नाम लिखो इनर्शिया, ये अभी मत लिखना, ये बारी बारी से मैं आपको लिखवाऊंगी। आज क्या क्या पढ़ना है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखो इनर्शिया। अब इनर्शिया की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ मैं, लिखो द टेंडेंसी ऑफ, टेंडेंसी मतलब की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब तक आप उसमें कोई चेंज ना करो तब तक। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग और टू कीप मूविंग विथ द सेम इनर्शिया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, वो टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है ये मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल देके भी समझाया था। मैंने आपको बोला था कि अगर हम कार या तो बस किसी में भी हम आगे जा रहे हैं, तो अगर हम सेम वेलोसिटी से कार या बस आगे जा रही है, अचानक ब्रेक लगाई तो हम थोड़ा आगे जाते हैं, देखा है आपने? ठीक है, हम क्या करते हैं? अचानक ब्रेक लगी तो थोड़ा आगे जाते हैं। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि आप जब कार या बस में बैठे थे तो जितनी उसकी वेलोसिटी थी कार या बस की, उतनी ही वेलोसिटी से आपकी बॉडी भी उसके साथ साथ मूव कर रही थी। अब कार या बस ने अचानक से ब्रेक लगाई, ठीक है, तो वो स्टॉप हो गए, तो आपकी बॉडी का नीचे का पार्ट मतलब कि जो पैर है वो उसके साथ रेस्ट में आ गए, पर पैर से ऊपर की जो बॉडी थी वो जो इस मोशन में थी वो मोशन अभी कंटिन्यू कर रही है, और आपके पैर रेस्ट में आ गए, इसलिए बॉडी का ऊपर का भाग थोड़ा आगे जाता है, क्योंकि वो पहले मोशन में था तो उसके पास कुछ इनर्जी आई। क्या थी
सी आ गई और अचानक बस या तो कार वॉट एवर द व्हीकल इज, ठीक है, अचानक वो स्टॉप हो गया तो उसे अपनी इनर्जिया चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चेंज करने के लिए थोड़ा आगे जाके फिर रुक जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मूविंग कार में आप जब बैठे हो तब सीट बेल्ट बांध के रहो ताकि एक्सीडेंट हो और अचानक किसी से आप टकरा जाओ, ठीक है, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पहले कार आपकी वेलोसिटी में थी तो उसके साथ आपकी बॉडी भी वेलोसिटी में थी। अब अचानक कार रुक गई तो आपके पैर तो उसके साथ रुक गए पर पैर के ऊपर की बॉडी अपनी इनर्जिया के हिसाब से आगे जा रही थी, तो आगे जाके आप किसी से टकरा ना जाओ, सिर टकरा ना जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, क्लियर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल में देती हूँ आपको, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको कि अगर कोई कार टर्न ले रही है तो आपने देखा होगा कि कार में आप बैठे हो और अचानक से जल्दी से टर्न लिया तो आपकी बॉडी उस तरफ थोड़ा झुकेगी, क्यों, क्योंकि ये सपोज की ये रोड है, कार की वेलोसिटी क्या थी, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में थी, तो उसके साथ साथ आपके बॉडी की वेलोसिटी भी क्या थी, ऐसी स्ट्रेट लाइन में थी, ठीक है। पर टर्न आया और कार ने यहाँ से टर्न लिया तो कार के साथ साथ आपके पैर तो टर्न लेंगे पर पैर के ऊपर की जो बॉडी है ना वो ये डायरेक्शन में कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बॉडी का नीचे का पार्ट, पैर का पार्ट इस डायरेक्शन में जाएगा कार के साथ, ठीक है, पर ऊपर का जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा। बट कार में बैठे बैठे पैर से हमारी बॉडी अलग तो नहीं हो सकती ना, इसीलिए पैर क्या करेंगे, बॉडी इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी और पैर इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम जिस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं उसमें थोड़ा आगे झुक जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये कार यहाँ पे स्ट्रेट जाएगी तो हमारी बॉडी भी उसके साथ साथ स्ट्रेट मोशन में आ जाएगी, आया समझ में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को समझने के लिए यहाँ पे आपको दो और एग्जांपल दिए हैं एक्टिविटी के फॉर्म में। आप कैरम खेलते हो सबको पता है, कैरम सबको पता है, ठीक है। कैरम में जो केरम की जो कॉइन्स होती है, केरम की कॉइन्स होती है, घर पे जाके ट्राई करना हो तो घर पे ट्राई करना हो तो करना अगर घर पे केरम है तो, ठीक है। तो केरम के जो कॉइन्स मतलब जिन्हें आपने कुकरी कहिए चाहिए ना, दैट इज कॉइन, ठीक है। तो केरम के जो कॉइन्स होते हैं ना उसकी एक पाई बनाओ, मतलब की थप्पी, उसकी क्या करोगे, पाई बनाओ, बीच में रखो। अब जो स्ट्राइकर होता है उससे स्ट्राइक करो, उसे स्ट्राइक करो, तो जो केरम की पाई आपने कॉइन्स की जो पाई मतलब जो थप्पी बनानी है ना, ठीक है, जो आपने पाइल्स बनाई है उसमें से नीचे का कॉइन स्ट्राइकर के साथ आगे जाएगा पर ऊपर का पाई एज इट इज खड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि जो पूरे पाई थी उसकी इनर्जिया थी तो वो रेस्ट में थी, पहले आपने सिर्फ केरम में वो पाइल बनाई है तो वो इनर्जिया उसकी क्या थी, वो रेस्ट में था। अब आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो तो स्ट्राइकर अपने साथ साथ जो सबके नीचे का कॉइन था वो लेके जाएगा बट ऊपर के सारे कॉइन रेस्ट में थे तो अपनी इनर्शिया के हिसाब से रेस्ट में ही रहेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा एक आपसे आपको एग्जांपल दिया है, एक कांच का खाली ग्लास हो, कांच का खाली ग्लास हो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखो, पेपर मत रखना, पेपर हल्का होता है तो ऊपर कॉइन रखोगे तो अंदर चला जाएगा। एक कार्डबोर्ड का ग्लास लिया है आपने, ऐसे कांच का एक आपने ग्लास लिया, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखो, टुकड़े के ऊपर एक कॉइन रखो, 1 रूपी 2 रूपी 5 रूपी 10 रूपीज वॉट एवर यू वांट, ठीक है। कांच का ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखो और उसके ऊपर एक कॉइन रखो, रख दिया। अब आप कार्डबोर्ड को ऐसे हाथ से आप ऐसे स्ट्राइक करो, हाथ से कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करोगे ना तो कार्डबोर्ड गिर के दूर जाएगा बट जो कॉइन ऊपर आपने रखा था ना वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, वो कार्डबोर्ड के
साथ आगे नहीं जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होती है? पहले ये कार्डबोर्ड के ऊपर का ये जो कोइल था ना, वो रेस्ट में. अभी कार्डबोर्ड और कोइल दोनों रेस्ट में. ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड और कोइल दोनों क्या है? रेस्ट में है. अब आप हाथ से कार्डबोर्ड को ऐसे मारते हो तो कार्डबोर्ड तो वेलोसिटी में आएगा, इनर्शिया चेंज होगी, बट उसके ऊपर का कोइल अपने हिसाब से वो रेस्ट में ही रहेगा. रेस्ट में रहेगा बट नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो ग्लास में अंदर गिर जाएगा. ठीक है? तो जब आप कार्डबोर्ड को ऐसे स्ट्राइक करके दूर भेजते हो तब कोइल की अपनी इनर्शिया के हिसाब से वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा. तो रेस्ट में तो रहेगा बट जो कार्डबोर्ड का ये कोइल है, ठीक है, ये इसके ऊपर पड़ा था बट कार्डबोर्ड का सपोर्ट निकल गया तो कोइल नीचे गिर जाएगा. क्लियर? ठीक है. तो ये है दो इनर्शिया के एग्जाम्पल. ठीक है ना. अब हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास. टॉपिक का नाम लिखो, इनर्शिया एंड मास. पहले ये समझते हैं कि इनर्शिया और मास एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. इनर्शिया और मास एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये एग्जाम्पल. अभी जो मैंने आपको ग्लास, कार्डबोर्ड और कॉइन का एग्जाम्पल दिया है ना, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं. एक बार आप ट्राई करो 1 रुपी के कॉइन से, दूसरी बार आप ट्राई करो 5 रुपी के कॉइन से. आपको पता है कि 1 रुपी का कॉइन है वो 5 रुपी के कॉइन से हल्का होगा, है ना. ये 1 रुपी का कॉइन थोड़ा हल्का होगा, 5 रुपी का कॉइन थोड़ा भारी होगा, है ना, थोड़ा वजन में ज्यादा होगा. तो एक ही एक्सपेरिमेंट आप तो अलग अलग कॉइन लेके ट्राई करो, ठीक है. तो आपको दिखेगा कि छोटा सा 1 रुपी का कॉइन है उसकी वो छोटा हल्का है, मतलब कि उसका मास कम है. हल्का है मतलब कि उसका मास क्या है? कम है. ठीक है. तो आप जब कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करके दूर भेजोगे ना तो 1 रुपी का कॉइन उसके साथ चला जाएगा क्योंकि वो बहुत हल्का है. बट 5 रुपी का कॉइन दूर नहीं जाएगा, वो नीचे गिरेगा ग्लास में. ठीक है. क्योंकि 5 रुपी के कॉइन था वो थोड़ा भारी था, मतलब कि उसका मास क्या था? थोड़ा ज्यादा था. उसका मास क्या था? थोड़ा ज्यादा था. यही एक यही चीज मैं आपको और एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ. फुटबॉल. फुटबॉल आपने जमीन पे रखा है, अब उसे पैर से आप किक करोगे. फुटबॉल को आप पैर से किक करोगे तो फुटबॉल आगे जाएगा. अब फुटबॉल की ही साइज का एक स्टोन लो. फुटबॉल जितनी साइज का है उतनी ही साइज का एक स्टोन लो और स्टोन को पैर से किक करने की कोशिश करो. क्या होगा? फुटबॉल की तरह आगे जाएगा? नहीं जाएगा. उसका उतना उल्टा आपके पैर में चोट लग जाएगी. ठीक है. जिस फोर्स से आपने फुटबॉल को किक किया था ना पैर से, उसी फोर्स से उसी साइज के स्टोन को किक करने की कोशिश करो. क्या होगा? फुटबॉल आगे जाएगा पर स्टोन आगे नहीं जाएगा, उल्टा आपकी पैर में चोट लग जाएगी स्टोन की वजह से. ठीक है. तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिए? इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर. इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर. देखो 5 रुपी का कॉइन और 1 रुपी का कॉइन. 1 रुपी का कॉइन हल्का था तो वो कार्डबोर्ड के साथ आगे चला गया, बट 5 रुपी का कॉइन थोड़ा भारे था, मतलब कि इसका मास थोड़ा ज्यादा था, तो वो अपनी इनर्शिया के हिसाब से ग्लास में गिर गया. दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया फुटबॉल एंड स्टोन का. ठीक है. तो आपने सेम साइज का फुटबॉल एंड स्टोन लिया है, दोनों की साइज सेम है, बट फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल आगे गया बट स्टोन को किक किया तो वो आगे नहीं गया, उल्टा आपके पैर में चोट लगी. मतलब कि फुटबॉल है वो मास थोड़ा हल्का है और स्टोन का मास थोड़ा क्या है? ज्यादा है. तो स्टोन का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा हो, इसलिए वो अपना रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा, आगे नहीं गया. आपने किक लगाई स्टोन को तो स्टोन आगे नहीं गया क्योंकि स्टोन का मास ज्यादा है. तो मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी. मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो इनर्शिया ज्यादा होगी तो वो रेस्ट में था तो रेस्ट में वो जल्दी रहेगा, वो जल्दी से अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा. और फुटबॉल का मास स्टोन के कंपेरिजन, फुटबॉल का मास क्या था? कम. तो फुटबॉल आगे चला गया. फुटबॉल का मास कम था तो उसकी इनर्शिया भी कम थी. तो उसकी इनर्शिया भी कम थी तो अपने रेस्ट में से वो वेलोसिटी में जल्दी आ गया. आ गया समझ में? ठीक है. दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ. टेनिस को सेम साइज का दो, सेम साइज से दो बॉल, एक टेनिस बॉल टेबल टेनिस का आप
जो बोल रहे टेबल टेनिस का बोल जो होता है ना प्लास्टिक का वो, ठीक है, और एक क्रिकेट का बोल, दोनों की साइज सेम, टेबल टेनिस के बोल की और क्रिकेट के बोल की साइज क्या है, सेम, ठीक है, दोनों की साइज सेम है। आप किसी को टेबल टेनिस का बोल फेंक के दोगे और वो कैच करेगा तो एकदम हल्का है, उसके हाथ में कुछ चोट नहीं लगेगी। बट इसी जगह पे आपने टेबल टेनिस का जो बॉल लिया था उसी साइज का क्रिकेट का बॉल लो और क्रिकेट का बॉल किसी को हाथ में दो ऐसे थ्रो करके, तो उसके हाथ में थोड़ी तो चोट, मतलब थोड़ी तो लाग से भाग से है, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं निकलेगा पर थोड़ी थोड़ी भाई चोट तो लगेगी ना उसे। क्यों? ये क्रिकेट के बॉल का मास ज्यादा था और टेबल टेनिस के बॉल का मास क्या है, कम कम है, तो उससे फोर्स भी कम मिलेगी। यहाँ पे इनर्शिया एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी और जो ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, कम। क्लियर? ठीक है, तो इनर्शिया एंड मास अपने टॉपिक का नाम ही था, उसमें नीचे लिखो कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इट्स मास। ठीक है, लिखा है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया उसके मास के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम इनर्जिया से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा बहुत चेंज में कर देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज। यहाँ पे हमने मास के रिलेटेड देखा था, अब हम सेकेंड लॉ में देखेंगे वेलोसिटी के रिलेटेड। क्या देखेंगे? वेलोसिटी के रिलेटेड। अब ट्रक, एक ट्रक का एग्जांपल, एक ट्रक का एग्जांपल, ठीक है, ट्रक आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, बट अगर वो ट्रक एक जगह पे खड़ा था, ट्रक अगर किसी जगह पे खड़ा है, पार्क किया हुआ है, रोड की एक साइड में ट्रक पार्क किया हुआ है, आप दौड़ के ट्रक की ओर जाओगे क्या होगा? आप ट्रक से टकरा जाओगे बट उसकी वजह से आपकी मौत नहीं होगी। ठीक है, हाँ आपको थोड़ी ट्रक के साथ आप टकराओगे तो थोड़ी चोट लगेगी बट इससे किसी पर्सन की डेथ होगी नहीं होगी। उसी जगह पे अगर वो ट्रक रोड पे चल रहा है, सपोज कि उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी सपोज कि 5 किलोमीटर पर आवर जितनी कम है, ठीक है, आप कार या तो बाइक या तो साइकिल कितनी वेलोसिटी से चलाते हो, आपने सबने एक्टिवा तो चलाई हो, है ना, एक्टिवा कितनी वेलोसिटी से आप चलाते हो, मुझे पता है 50 या 60 से कम की स्पीड से तो आप चलाते नहीं होंगे, 50 या 60 की स्पीड से तो आप चलाते हो नहीं, ठीक है, तो सोचो आप 50 या 60 की स्पीड से चलाते हो तो 5 की स्पीड कितनी कम होगी। एक बार एक्टिवा 5 की स्पीड से चला के देखना कितनी स्लो स्लो जाएगी। अगर इतनी ही वेलोसिटी से इतना ही स्लो ट्रक आगे रोड पे जा रहा है, ठीक है, इतना ही स्लो 5 की स्पीड से, इतनी कम स्पीड से रोड पे ट्रक आगे जा रहा है और कोई चीज उसे आके टकरा गई और उसके नीचे और उससे आके टकरा गई, तो वो सपोज कि कोई इंसान का एक्सीडेंट, उस इतनी कम वेलोसिटी से ट्रक 5 की स्पीड से ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है, उसके सामने कोई अगर व्हीकल आ गया और उससे टकरा गया तो वो पर्सन मर जाए। ठीक है, जब वो ट्रक रोड की साइड में पार्क किया हुआ था, बंद था, तब वो उससे आके टकराया तो वो इंसान की डेथ नहीं, बट अगर 5 की जितनी कम वेलोसिटी से भी ट्रक आगे जा रहा था और उससे कोई इंसान टकराया तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी या तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, पर जब वो पार्क था रोड की साइड में, जब ट्रक पार्क था तब इतनी ज्यादा चोट नहीं आएगी, बट जब ट्रक 5 जितनी कम वेलोसिटी से, इतनी कम वेलोसिटी से भी अगर आगे जा रहा है तो भी उस इंसान को बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो सोचो, इसका मैं कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब ट्रक
रोड की साइड में पार्क था, तब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो पार्क था बंद था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। ठीक है, अब वेलोसिटी आपने फाइव कर, फाइव जितनी कम ही है बट जीरो से तो आपने थोड़ी चेंज की ना। ठीक है, फाइव कर दी, फिर भी उस इंसान को ज्यादा चोट लगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की इनर्शिया है वो मास के साथ साथ वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर भी वो डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी चीज, एक क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट का बॉल आपने किसी को थ्रो किया, ठीक है, बट आप एकदम धीरे से थ्रो करोगे तो वो कैच करेगा तो उसके हाथ में ज्यादा नहीं लगेगा, और एकदम जोर से थ्रो करो और वो सामने वाला इंसान कैच करने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें उसका हाथ में थोड़ा लगेगा ना, ब्लड नहीं निकलेगा पर थोड़ा लगेगा, ट्राई करना। क्रिकेट का बॉल सामने वाले इंसान को आप थ्रो करके दे रहे हो बट एकदम धीरे से थ्रो करके दोगे ना तो उसे हाथ में चोट नहीं आएगी, बट एकदम जोर से थ्रो करोगे तो उसके हाथ में चोट आएगी। आपने जब धीरे से थ्रो किया तब बॉल की वेलोसिटी कम थी, आपने जब जोर से थ्रो किया तब बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो वेलोसिटी कम थी तो हाथ में चोट कम लगी, वेलोसिटी ज्यादा थी तो हाथ में चोट ज्यादा लगी। ठीक है, दैट मीन्स की अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो इफेक्ट भी चेंज होती है ना, दैट मीन्स की इनर्शिया जैसे मास के साथ रिलेटेड है ना, वैसे ही इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी मैं आपको सेंटेंस नहीं है बट उसके आगे थोड़ा लिखवा रही हूँ, पॉइंट करके लिखो कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सेंटेंस नहीं है हा? थोड़ा बहुत समझाने के बाद में आपको मैं सेंटेंस लिखवाऊंगी और समझाऊंगी, पहले उसका थोड़ा आगे का समझ लेंगे। ठीक है, तो वो आगे का लिखवा रही हूँ, तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मास, वैसे ही वो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों के साथ रिलेटेड है, तो अब समझो कि इनर्शिया मास के साथ भी रिलेटेड है और इनर्शिया वेलोसिटी के साथ भी रिलेटेड है, तो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करके हमें एक नई क्वांटिटी मिल सकती है। क्वांटिटी मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, ठीक है, ये सब जैसे क्वांटिटी है वैसे ही हम मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके एक नई वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ऑब्जेक्ट की इनर्शिया उसके मास और वेलोसिटी दोनों के साथ रिलेटेड है, तो हम ये मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करके कोई नई क्वांटिटी ला सकते हैं, जिसे हम नाम देंगे मोमेंटम। क्या देंगे हम उसे नाम? मोमेंटम। ठीक है, तो पहले मोमेंटम की डेफिनेशन लिखते हैं, आपने टॉपिक का नाम लिखा ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें ये वाला सेंटेंस लिखा लिखा, अब नीचे लिखो ऐसे स्टार करके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अलग टॉपिक लिखो मोमेंटम। जैसे हम वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। कैसे? स्मॉल पी, कैपिटल पी नहीं, स्मॉल पी। मोमेंटम को कैसे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल पी से। ठीक है, अब नीचे लिखो मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन लिखो, मोमेंटम मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको मोमेंटम चाहिए उसी ऑब्जेक्ट
मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको उसकी मोमेंटम मिल जाए। ठीक है, सपोज कि ये डस्टर है, ये डस्टर का मुझे मोमेंटम चाहिए, तो इसी का मास है, इसी की वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन में करूंगी तो मुझे इसका मोमेंटम मिल जाए। ठीक है, इसका मुझे मोमेंटम चाहिए और मैं प्रोडक्ट किसी और चीज की मास और वेलोसिटी का करूंगी तो नहीं मिले। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंटम चाहिए उसी का मास है, उसी की वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब की मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। तो इसके ऊपर से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी, और एम मतलब मास, पी मतलब मोमेंटम, एम मतलब मास एंड वी मतलब वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम वी, लिख लो ये फॉर्मूला, मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी, नीचे ये फॉर्मूला लिखो, मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वी। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब ये मोमेंटम के ऊपर से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, मोमेंटम के ऊपर से हम क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम यहाँ तक मोमेंटम का